2 अक्टूबर तक शहर को बनाया जाएगा कूड़ा रहित उपायुक्त। सोलन शहर वासियों को जागरूक करने के लिए शहर में निकाली जा रही रैलियां जल्द पॉलीथीन एकत्र करने के लिए चलाया जाएगा। सोलन को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और शहर वासियों को रैलियों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है ताकि वह भी शहर को सुंदर बनाने के लिए अपना योगदान दे। आज भी शहर में स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। रैली की अध्यक्षता उपायुक्त सोलन के सी चमन ने की। रैली में स्कूलों, शिक्षण संस्थानों, नगर परिषद और जिला प्रशासन ने भाग लिया और शहर को स्वच्छ रखने के लिए भी सभी को प्रेरित किया। इस मौके पर उपायुक्त सोलन के सी चमन ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सोलन में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को शहर को सुंदर बनाने के लिए और इसे स्वच्छ बनाने की अपील की जा रही है, जिसमें 1 अक्टूबर तक रैलियों का आयोजन जिला भर में किया जाएगा। साथ ही उसके बाद पॉलीथीन एकत्र किए जाएंगे और यह लक्ष्य लिया गया है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी तक समूचे जिला को कूड़ा रहित बनाना है ताकि शहर सुंदर और स्वच्छ दिखे और आने वाले पर्यटक भी सोलन को देख कर हैरान रह जाए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो एक विशेष मुहिम प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई, तो जिला में ये 11 तारीख से शुरू हो गया और इसमें जगह जगह लोगों को जागरूक करने के लिए गांव में, स्कूलों में और नगरों में एक रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। लोगों का भी प्रथम चरण हमने जागरूक करना है, तो 1 अक्टूबर तक ये जागरूकता अभियान रहेगा। 2 को पॉलीथीन कलेक्शन रहेगा, उसके फिर 2 से 3 से 27 अक्टूबर तक इसका निपटान किया जाएगा। इसके तहत आज नगर परिषद के सौजन्य से एक स्कूलों की यहाँ पर रैली निकाली गई। ये लगातार ये रैलियाँ हर दिन नगर परिषद की ओर से निकाली जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जो देवेंद्र ठाकुर है, उसको काफ़ी अहम रुचि दे रहे हैं और सारे लोग, तो इसमें एक संदेश दिया जा रहा है लोगों को कि कहीं भी कूड़ा कचरा ना फेंके और लोगों को जागरूक करें, इसका जो निष्पादन है एक साइंटिफिक तरीके से किया जाए। तो ये जागरूक अभियान 100 डिस्ट्रिक्ट पूरे जोर शोर से चला हुआ है। तो हमारा ये लक्ष्य है जो 2 अक्टूबर को 150वीं जन्म शताब्दी महात्मा गांधी के बनाए, तो एक सुंदर, स्वस्थ, एक बड़ा मनोरम, मनमोहक जो दृश्य है लोगों को देखने को मिले। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सोलन से रोहित चौहान की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना